अब जरा छल की बात कर लेते हैं। वृत्रासुर राक्षस था, युद्ध के मैदान में प्रस्तुत हुआ। युद्ध के मैदान में वृत्रासुर राक्षस प्रस्तुत हुआ। इंद्र ने उनके ऊपर, वृत्रासुर के ऊपर वज्र चला दिया। वज्र टकरा करके वृत्रासुर के अंग से नीचे गिर गया। इंद्र निराश्रित हो गया, निहत्था हो गया। और वो राक्षस इतना बलशाली था कि अगर एक बार वो केवल सांस अंदर लेता तो सारी देवता उसके अंदर जा सकते थे। और उसने इंद्र को अपने अंदर भर भी लिया था एक बार तो। ऐरावत सहित, उसके हाथी के सहित इंद्र को अपने अंदर ले लिया। इतना भयंकर राक्षस था वो। जब वो युद्ध के मैदान में प्रस्तुत हुआ तो देवतागण थर थर कांप गए। वो चाहता तो इंद्र को मसल के फेंक देता, कुछ नहीं कर सकता था कोई उसका। लेकिन जब इंद्र निहत्था हो गया तो वो इंद्र से कहता, इंद्र तुम अपना ये वज्र उठा लो, तब तक मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, तब तक तुम्हारी तरफ मेरी कोई सेना एक अस्त्र नहीं चलाएगी, तुम अपना यह अस्त्र उठा लो, फिर मेरे से युद्ध करने के लिए तुम पूर्ण तैयार हो जाओ, और जब तुम तैयार हो जाओगे तब तुम मेरे से युद्ध करना, अगर थक गए हो तो विश्राम भी कर लो, तब तुम मेरे से युद्ध करना। एक राक्षस के बोल है ये, आज के इंसान को देखो आप, अनजान जगहों में जाकर के बम लगा देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, और रातों रात हजारों की संख्या में लोग उड़ जाते हैं, लोग मर जाते हैं। वो राक्षस थे, अगर शस्त्र छूट जाए तो वो बाण तक नहीं चलाते थे कि तुम पहले उठा के तैयार हो जाओ, आज तो बिना बताए बम लगा देते और लोग उड़ जाते मर जाते हैं। अब बताओ कि राक्षस ज्यादा अच्छे थे आज के इंसान? आज के इंसान किसी भी माध्यम में, किसी भी स्थिति में उन राक्षसों की बराबरी नहीं कर सकते।